जगदलपुर में मनाया गया बड़े धूमधाम से गोंचा पर्व, भगवान जगन्नाथ जी की निकाली गई रथ यात्रा। श्रृंगोंचा महापर्व पर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, माता सुभद्रा को रथारूढ़ कर गोल बाजार की परिक्रमा कराई गई। बड़ी संख्या में इस दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। पूरे बस्तर जिले से लोग इस रथ यात्रा को देखने पहुंचे। 360 घर आरण्यक ब्राह्मण समाज द्वारा पूरे विधि विधान और रीति रिवाज के साथ पूजा अर्चना कर कार्यक्रम को संपन्न कराया। इस दौरान जन सैलाब मंदिर परिसर सहित गोल बाजार क्षेत्र में उमड़ पड़ा। नृतकों का दल हरी बोल नारों के साथ जय घोष करता हुआ रथ परिक्रमा स्थल पर चारों ओर नृत्य गायन करता रहा, जिससे वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो गया। इस दौरान बस्तर महाराजा कमलचंद्र भंजदेव ने रथ सहित भगवान की पूजा अर्चना की और रथ को खींचा। उनके साथ भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने भी भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचा और परिक्रमा पूर्ण कराई। रथ यात्रा परिक्रमा के पश्चात भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, माता सुभद्रा 9 दिनों तक सिरसाहार जनकपुर में विराजित होंगे। वहीं भक्तों को भगवान के दर्शन लाभ प्राप्त होंगे। पौराणिक मान्यता अनुसार कहा गया कि प्रभु जगन्नाथ मंदिर से निकलकर वर्ष में एक बार अपनी मौसी माँ के यहाँ भ्रमण को जाते हैं, जिसे रथ यात्रा के दौरान 9 दिन के विश्राम को मौसी के यहाँ विश्राम कहा जाता है, जिसका प्रतिस्वरूप संसार को जनकपुरी बनाया गया। बस्तर के गोंचा पर्व में जो खास बात है और जो पूरे विश्व में अपने आप में अनोखा अनूठा है, वो यहाँ का एक परंपरागत तुपकी, जिसे एक बांस की नली में मल कांगरी के बीच डालकर चलाया जाता है, जिससे एक विशेष प्रकार की ध्वनि फटाके की तरह निकलती है, जिसे भगवान जगन्नाथ को सलामी के तौर पर समर्पित किया जाता है। जी, गोंचा का ये मार्ग पर जो कि 600 साल से पुरानी ये परंपरा चली आ रही है, जिसमें कि हम गोंचा के रूप में मनाया जाता है बस्तर में, जिसे विश्व में इसे जगन्नाथ प्रभु की आराधना और आराध्य माँ हमारे जितने भी हमारे जगन्नाथ प्रभु, जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा, उनकी पूजा अर्चना की जाती है। आज रथारूढ़ होते हैं। आज का एक ऐसा दिन है जिसमें प्रभु रथ में बैठ करके यहाँ पे भ्रमण लेते हैं, और जो लोग बीमार हैं और देख नहीं सकते, प्रभु के पास जा नहीं सकते, वहीं से दर्शन कर सकते, इसलिए जगन्नाथ प्रभु अपना राउंड लेते हैं, पूरा एक परिक्रमा करते हैं। और इसी परंपरा के तहत मैं यहाँ पे चांदी के झाड़ू से झाड़ू लगाता हूँ, जिसे हम छेरा पोरा कहते हैं, और ये पुरानी परंपरा चल रही है, जिसमें हम तुपकी, आप सुन रहे हैं जो आवाज़ें आ रही है, ये तुपकी का अनोखा एक कार्यक्रम है, जिसमें कि यहाँ पे अपना पेंग करके गोली आती है, जिससे लोग एक दूसरे को मारते हैं, जो कि बांस से बनाया जाता है, और एक दूसरे को मार करके उसका मेडिसिनल वैल्यू भी है, क्योंकि जब स्किन पे लगता है तो उसका मेडिसिनल जो वैल्यू है, इससे आपको कहीं ना कहीं जो इन्फेक्शन है बहुत सारी चीज़ें नहीं होती है, तो इसका बहुत ही एक साइंटिफिक रीज़न भी, और इसे खेला जाता है और बस्तर में ही खेला जाता है, और इस पर्व को गोंचा के रूप में मनाया जाता है, और साथ साथ इसे पूरे के पूरे विश्व में जगन्नाथ प्रभु की रथ यात्रा के नाम से मनाया जाता है। प्रभु जगन्नाथ का आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा बना रहा। बस्तर के राजाओं को उन्होंने ही, जगन्नाथ प्रभु ने रथपति की उपाधि दी थी, जो रथ आज भी बस्तर दशहरा में चलता है। तो एक पुजारी की हैसियत से, एक महाराजा की हैसियत से, कि महाराजा भी राजा के सामने छोटे होते हैं, प्रभु के सामने छोटे, उसके झाड़ू लगाते हैं, जिस तरीके से जगन्नाथ प्रभु का पूरी में पूजा होती है, जिसमें कि सोने के झाड़ू से लगाया जाता है, हम यहाँ चांदी के झाड़ू से लगाते हैं और प्रभु का सम्मान करते हैं, और उनकी रथ की परिक्रमा होती है, और ये बहुत दिन चलने वाला कार्यक्रम है, जिसमें कि बस्तर संभाग के 360 आरण्यक ब्राह्मण, उत्कल ब्राह्मण और बस्तर के सभी लोग इसमें उपस्थित होकर के अपनी भागीदारी निभाते हैं। और आपके मीडिया के माध्यम से मैं पूरे छत्तीसगढ़ के वासी, देश के वासियों को गोंचा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और साथ साथ जगन्नाथ प्रभु की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पर विधि विधान के अनुसार भगवान स्वामी जगन्नाथ जी की पूजा अर्चना की जाती है, उसके बाद आज ही के दिन से रथ परिक्रमा की जाती है, भगवान जी को रथ पे लाया जाता है, उसके बाद फिर पूजा अर्चना कर रथ की परिक्रमा कर रथ को निकाला जाता है। ये है हमारे बस्तर का इतिहास, ये है हमारे बस्तर का गौरवशाली इतिहास, जिसमें गोंचा पर्व पर देख रहे हैं आप पूरे शहर में और ग्रामीण अंचलों से, दूरस्थ अंचलों से आए लोगों में कितना उत्साह है। मैं आज के दिन गोंचा पर्व की रथ यात्रा की सभी बस्तर वासियों सहित छत्तीसगढ़ वासियों और देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। आज बस्तर का ऐतिहासिक गोंचा पर्व का 616 साल पूर्ण हो रहा है, और हमारे बस्तर के महाराजा जब जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने गए थे, तो वहाँ के राजा ने प्रभु के प्रति इनकी भक्ति को देखकर बहुत प्रसन्न हुए थे, और उन्होंने राजा पुरुषोत्तम देव को रथपति की उपाधि देते हुए एक रथ दिया था। जब वो बस्तर महाराजा जगदलपुर आए तो भव्य स्वागत हुआ, और उसी समय से ये गोंचा पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। आज पूरे बस्तरवासी बड़े उत्साह के साथ गोंचा का पर्व मना रहे हैं, और हमारे बस्तर की तुपकी पेंग लगाकर भगवान पे बौछार करते हैं। इस अवसर पर मैं सभी को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ, और भगवान जगन्नाथ जी से यही कामना करता हूँ, हम सबके परिवारों में सुख शांति समृद्धि हो,
बस्तर खुशहाल हो, छत्तीसगढ़ खुशहाल हो और हम सब मिलकर हमारे बस्तर को गढ़बो नवा बस्तर और हमारे मुख्यमंत्री की जो सोच है गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, इस दिशा में अपना हाथ बटाने के लिए आगे रहे। पखांजूर से विप्लव कुंडू की रिपोर्ट।